इस कहानी में एक औरत अपनी ही बेटी के साथ संभोग कर लेती है, फिर वो हर बार अपनी गुफा से पानी निकलवाना चाहती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम बारबरा और उसके पति हैरी को देखते हैं। रात में जैसे ही हैरी अपनी वाइफ बारबरा के साथ संभोग करने के लिए लाइट बंद करता है, लेकिन बारबरा लाइट ऑन कर देती है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस लाइट के ऑन ऑफ करने से परेशान होकर हैरी आज बारबरा को छोड़ने का फैसला कर लेता है। बारबरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हैरी और बारबरा दोनों ही जिस्म की प्यास को ठंडा करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ठंडा नहीं कर पाते थे। आज हैरी हमेशा के लिए बारबरा को छोड़कर किसी ऐसी लड़की की तलाश में निकल गया जो लाइट ऑन करके उसके औजार की गर्मी को ठंडा कर सके। उसके जाने के बाद बारबरा अपने बेटे पॉल को इसके बारे में सब कुछ बताती है। पॉल बारबरा और हैरी का इकलौता बेटा था। बारबरा पॉल से पूछ तुम किसके साथ रहना चाहते हो। वो उसे कहती है, वैसे तुम जिसके साथ भी रहना चाहो आराम से रह सकते हो। यहाँ पर पॉल की नज़र अपनी मॉम के बड़े बड़े तरबूज पर पड़ती है और वो उनसे कहता है, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। एक्चुअल में पॉल अभी अभी जवान हुआ था और उसका औजार खड़ा होने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं हैरी के जाने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बारबरा के ऊपर आ जाती है। अगले दिन बारबरा अपने स्कूल की फ्रेंड कैट से मिलती है। कैट का डिवोर्स हो चुका था और वो ठरकी भी थी। वो बारबरा का मूड अच्छा करने के लिए कहती है, तुम्हें नौकरी की नहीं बल्कि एक हैंडसम हंक की ज़रूरत है जो दिन रात तुम्हें आगे पीछे बजाता रहे। ये सुनकर बारबरा हंसने लगती है। इसके बाद कैट उसे बताती है, हमारे स्कूल का फ्रेंड चेरी तुम्हें जॉब दे सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉल पढ़ने की जगह अपनी फ्रेंड को ठोकने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर पॉल की एक और दोस्त आ जाती है। उन दोनों को इस तरह से देखकर उसकी भी आग भड़क जाती है। इसके बाद पॉल उसे भी ठोकने लगता है। काफ़ी देर तक कार्यक्रम करने के बाद तीनों की आग ठंडी हो जाती है। शाम को आने के बाद बारबरा पॉल को बताती है, मुझे जॉब मिल गई है और मैं कल से जॉब पर जाना शुरू कर दूंगी। पॉल उसे कहता है, मैं भी जॉब की तलाश कर लेता हूँ। इस पर बारबरा कहती है, नहीं तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसके बाद बारबरा उसे प्यार से चूमने लगती है, लेकिन पॉल एक नंबर का कमीना होता है। वो अपने गाल की जगह होंठ को आगे कर देता है। बारबरा उसके इरादे समझ चुकी थी, लेकिन अपना बेटा होने की वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में पॉल की गंदी नज़र स्टार्टिंग से ही अपने मॉम के लटके हुए तरबूज पर थी, लेकिन अपने बाप की होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। हैरी के जाने के बाद पॉल किसी न किसी बहाने बारबरा से करीब आने लगा था। अगले दिन बारबरा की जॉब का पहला दिन था और उसका बॉस फ्रेंड चेरी था। कुछ टाइम के बाद बारबरा को उसकी फ्रेंड कैट का कॉल आता है। जब बारबरा उससे बात कर रही थी तब पीछे से चेरी आता है और मौका देकर उसे छूने लगता है। फिर बारबरा गुस्से में उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाती है और वो चेरी से अपने आज की दिहाड़ी के पैसे मांगती है। इसके बाद चेरी उससे कहता है, मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यहाँ से जॉब मत छोड़ो। मैं तुमसे स्कूल के टाइम से ही प्यार करता हूँ, लेकिन कभी भी कह नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर बारबरा हंसकर उसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद चेरी उसे आज के दिन की छुट्टी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं बारबरा घर आने के बाद नंगी होकर नहाने लगती है। उसी टाइम पॉल अपनी फ्रेंड शैली को घर लेकर आता है। शैली को सोफे पर बिठा कर पॉल अपनी मॉम को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ पर बारबरा अभी भी नहा रही थी। पॉल उसे छुपकर देखने लगता है। जब बारबरा कपड़े पहनकर बाहर आने लगती है तब पॉल जल्दी से भागकर शैली के पास आ जाता है। इसके बाद बारबरा वहाँ पर आती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं किसी से मिलने के लिए बाहर जा रही हूँ और मुझे आने में देर हो सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पॉल और शैली अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बारबरा कैट के दोस्त जॉनी से मिलती है। वो उसे एक पार्टी में लेकर आता है। ये पार्टी सिर्फ प्यार करने वालों की पार्टी थी। इस पार्टी में सभी लोग सबके सामने ही कपड़े उतार कर अपने जिस्म की प्यास बुझा रहे थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ लग चुके थे, लेकिन बारबरा शांत बैठी थी। जॉनी ने भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली थी। तभी बारबरा के पास भी एक आदमी उसे सहलाने के लिए आ जाता है, लेकिन बारबरा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जॉनी को लेकर वापस आ जाती है। फिर बारबरा घर आने के बाद सोने की तैयारी करने लगती है। आधी रात होने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि आज उसने पार्टी में सभी का संभोग करते हुए देखा था तो उसके जिस्म की आग भी भड़क चुकी थी। वो अपने आप को ठंडा करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपने रूम से उठकर बाहर घूमने के लिए निकलती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने बेटे के रूम के पास से निकलती है, वो देखती है पॉल नंगा होकर सो रहा है और उसका हथियार गोलियां चलाने को तैयार है। ये देखकर बारबरा की हवस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन पॉल का हथियार देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपनी हवस में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपने ही बेटे का हथियार पास बैठकर चूसने लगती है। कुछ टाइम के बाद पॉल भी जाग जाता है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मॉम का साथ देने लगता है, क्योंकि वो तो काफी टाइम से इसी मौके की तलाश में था। अगली सुबह जब पॉल जागता है तब उसे ये एक सपने जैसा लगता है। जब वो बाहर आता
करता है, तब उसे अपनी मॉम का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर दो बेटे, कल हम दोनों ने अपने रिश्ते को ही भूल गए थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं घर वापस आकर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बारबरा अपने ऑफिस में थी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसे कैट का कॉल आता है, वो उसे जॉनी से हुई मुलाकात के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर बारबरा कहती है, मुझे वो पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बारबरा को देखकर चेरी उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ बारबरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बारबरा कहती है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। चेरी उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बारबरा का मूड अच्छा करने के लिए चेरी उसे बाहर लेकर जाता है, दोनों आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद वो बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पर मौका देखकर चेरी उसे प्रपोज कर देता है। बारबरा भी खुश होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। एक्चुअल में बारबरा कल रात वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए उसने चेरी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। शाम को चेरी बारबरा को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। बारबरा उसे घर के अंदर खाने पर आने के लिए कहती है ताकि वो उसे अपने बेटे पॉल से मिलवा सके। ये सुनकर चेरी उसे कहता है, आज नहीं बारबरा, मैं कल आऊंगा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसके बाद बारबरा घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर पॉल अपनी मॉम के बेडरूम में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बारबरा उसे अपने कमरे में देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो बेटे, मैं कल अपने होश में नहीं थी, इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। साथ ही साथ वो उसे कहती है, मुझे बहुत मजा आया लेकिन ये सब गलत है। जिस पर पॉल उसे कहता है, मैं जानता हूँ मॉम ये सब गलत है, लेकिन अब ये हो चुका है और मैं चाहता हूँ ये बार बार हो। इतना कहने के बाद वो फिर से अपनी मॉम को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। बारबरा उसे कहती है, ये सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये सब गलत है, लेकिन पॉल नहीं रुकता। अब बारबरा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से संभोग कर लेते हैं। अगले दिन बारबरा की छुट्टी थी और वो अपनी सहेली कैट से मिलने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ कैट अपनी पड़ोसन और उसके बेटे के साथ मजे कर रही थी। फ्री होकर कैट बारबरा के पास आती है। बारबरा को परेशान देखकर कैट उससे परेशानी का रीजन पूछती है, जिस पर बारबरा अपने और पॉल के बीच में जो कुछ भी हुआ कैट को सब कुछ बता देती है। लेकिन कैट को उसकी बातें सुनकर मजा आ रहा था, उसकी हबस की गर्मी जागने लगी थी। बारबरा उसे अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, लेकिन कैट गर्म होकर उंगलियों को अपनी गुफा में डाल रही थी। ये देखकर बारबरा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसी रात को हम देखते हैं चेरी बारबरा के घर खाने पर आता है। फिर ये तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पॉल अपनी मॉम को किसी दूसरे के साथ देखकर जलने लगता है और वो अपनी मॉम से नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चेरी और बारबरा आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद चेरी बारबरा के पास आ जाता है। फिर बारबरा उसे अपने रूम में लेकर जाती है और दबाकर उसके साथ संभोग करती है। संभोग करने के बाद चेरी बारबरा से शादी के लिए पूछता है। बारबरा उसे हाँ करते हुए कहती है, मेरा दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके एक हिस्से में तुम रहते हो। तब चेरी उससे पूछता है, और दूसरे हिस्से में? जिस पर बारबरा उसे चुप करा देती है। ये बात हम जानते हैं कि दूसरे हिस्से में उसका बेटा पॉल रहता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो